नमस्कार, टाइम्स नाउ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राठौर। इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उन चीजों का जिक्र किया है जिन्होंने 2017 में उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि तीसरे नंबर पर बिल गेट्स ने अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित इस फिल्म में संदेश दिया गया है कि खुले में शौच ना जाएं। खुले में शौच जाने से महिलाओं को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो हमने इस फिल्म में देखा। डायरेक्टर श्री नारायण सिंह की ये फिल्म 11 अगस्त 2017 को यानी कि इसी साल रिलीज हुई थी। ट्विटर पर बिल गेट्स ने भी यही बात कही है। बिल गेट्स ने कहा है कि यह एक बेहद रोमांटिक फिल्म है जिससे भारतीयों को स्वच्छता का संदेश मिलता है। लगभग 18 करोड़ के बजट से बनी यह फिल्म 216 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर कमाई करके गई। यह फिल्म 2017 की सुपरहिट फिल्म है। हमारा मानना है कि भले ही यह फिल्म अक्षय कुमार को नेशनल अवार्ड दिलाए या ना दिलाए, लेकिन इस फिल्म की बदौलत अक्षय कुमार एक ग्लोबल स्टार बन गए हैं। आपको बता दें कि अक्षय कुमार अगले साल 26 जनवरी को पैडमैन फिल्म लेके आ रहे हैं जिसमें उनके साथ सोनम कपूर और राधिका आप्टे हैं। यह फिल्म भी एक गजब का संदेश देगी। फिलहाल अक्षय कुमार से संबंधित और इस तरह की मजेदार खबरों के लिए जुड़े रहिए टाइम्स नाउ हिंदी के एंटरटेनमेंट पेज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।